लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहती है, लेकिन डिंडौरी जिले के बजाग मुख्यालय में सैकड़ों किसान धान खरीदी बंद होने के कारण परेशान है। ऐसे में खेती लाभ का धंधा तो छोड़िए, किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि धान खरीदी केंद्र बजाग के पास सैकड़ों क्विंटल धान खुले मैदान में रखी हुई है और धान खरीदी केंद्र बंद हो गया है। इस कारण किसान परेशान है। जानकारी के मुताबिक 20 फरवरी तक धान खरीदी की जा रही थी, लेकिन 18 और 19 फरवरी को छुट्टी होने के कारण और 20 फरवरी को सर्वर डाउन होने के कारण सैकड़ों किसानों की धान ऑनलाइन खरीदी नहीं हो पाई, जिसके चलते धान खरीदी केंद्र से धान रखी हुई है। मौसम लगातार मिजाज बदल रहा है, ऐसे में पीड़ित किसान परेशान है और हैरान है। जवाबदार लापरवाह बने हुए हैं, जिसका खामियाजा किसान भुगत पर मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। की अति वर्षा के कारण किसान अपनी धान लेट लेके आए, 18 और 19 को छुट्टी पड़ गई, 20 तारीख को किसान ने धान तोलाया है। और धान तोल होने के बाद सर्वर डाउन होने के बाद सर्वर न रहने के कारण धान ऑनलाइन जमा नहीं हो पाई है, इसलिए धान खुले में पड़ी है। इसमें 145 किसान है और 3450 क्विंटल धान है। आज किसान हताश और परेशान है, वो आस करे और उम्मीद करे तो किससे करे। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।